केरल में लगातार हो रही अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में सीपीआईएम ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के ऑफिस के बाहर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में शामिल हुए सीपीआईएम नेता प्रकाश करात से गोन्यू संवाददाता रमन ममकईन ने खास बातचीत की। बीजेपी का यात्रा खत्म होते ही केरल में उनका काउंटर हम कैंपेन पूरे मास कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि केरला को ही उन्होंने केंद्रित किया है और आज पूरे देश में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सर, आरएसएस बीजेपी कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, वाकई में स्थिति क्या है वहाँ पे? मैंने अगर आप इतिहास देखेंगे तो कन्नूर जिला, जिसमें वो कहते हैं ये सब हिंसा हो रहा है, वो हमेशा कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ मजदूर यूनियंस है, किसान संगठन मजबूत है, उसको कमज़ोर करने के लिए आरएसएस इस तरह के वायलेंस अटैक शुरू किया था। उसका मुँह तोड़ जवाब मिला है जनता से, उनको बार बार वो कोशिश करते हैं, ये नहीं 50 साल से हो रहा है। इन दोनों आप एक दूसरे के ऑफिस में प्रोटेस्ट करते हैं, इनके ऑफिस में यहाँ? हमने बताया कि पहली बार हम किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा तरीका नहीं, लेकिन हमारे दफ्तर के सामने लगातार रोज 2 हफ्ते वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये थे प्रकाश कारा, जिनका कहना था कि जिस तरह से कल रविवार को पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऑफिस में आकर प्रदर्शन किया, ये उनका तरीका नहीं है, लेकिन वो इसलिए आज इस बात का जवाब देने यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने 11 अशोक रोड पर आकर अपना प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी। विपिन के साथ रमन अंगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।